मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्रिसेस, जैसे बच्चों एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 2 3, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, क्या ऑर्डर है इसका? 2 बाई 2। बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, बी का ऑर्डर भी कितना है? सेम है, 3 2 1 2, ये बी मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 है। सो ए इंटू बी, ए इंटू बी या ए बी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 3। तो पहले एक कॉलम और एक रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? अर्जुन को आता है, अर्जुन अर्जुन कहाँ चला गया? सर मैं इधर ही हूँ सर। यस सर। मल्टीप्लाई कैसे होता है? इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नमन, तो इस रो में 2 एलिमेंट हैं और इस कॉलम में 2 एलिमेंट हैं। यस तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2। तो वो इसमें ऐड होगा। इस फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 1 फर्स्ट एलिमेंट जैसे जैसे इसमें मूव करेंगे वैसे वैसे यहाँ भी नीचे मूव करेंगे। तो 1 को 2 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है, इससे हमारा एक एलिमेंट आएगा। अब इस फर्स्ट रो को दोबारा से देखो और इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। और फिर 4 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? +4। इसी टाइप से 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक है, और 4 को 4 के साथ करेंगे तो 16। राइट, दिस इज इस टाइप से। सर एक बार फिर से समझा दो। बच्चे पहले ये एक रो लेनी है और इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो को जब हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से तो 3 आ गया, ठीक है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, 1 के साथ इस कॉलम में, तो 2 into 1 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस फर्स्ट रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करना, आपको ऐसे एरो लगा लो ऐसे। तो 1 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, 2 आ गया। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करना इधर आगे 4 के साथ, 8 आ जाएगा। राइट, पहले समझ लो बाद में लिखना। अब 3 को मल्टीप्लाई कर, इस 3 इस कॉलम को लो, इस रो को लेंगे, इस रो को, इस रो में 2 एलिमेंट हैं। पहले 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, एंड 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 आ गया, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 आ जाएगा। उसके बाद ये जो है फर्स्ट रो, सॉरी ये वाली रो सेकेंड रो, अब इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 और 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 3 + 2 5, 2 + 8 10, 9 + 13 6 16 20। समझ गए? यस सर। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको नोट कर लो तो आप। 3 into 3 का कर दो एग्जाम्पल। करेंगे बेटे, अब उसमें आएंगे, पर थोड़ा पहले छोटे एग्जाम्पल लेके बाद में आएंगे। 2 3 1 6 2 2, जैसे ये है, और इसको आपको दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 3 2 1 1 2 3, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इसका 2 बाई 3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 बाई 3। एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 बाई 2। बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई
नहीं हो सकता। नमन, खाना खा लिया? तो खाना नहीं खा रहा था। कुछ तो खा रहा था ना कैमरा बंद करके? नहीं सर। तो कैमरा बंद किया था तो कुछ तो खाया होगा, बताना नहीं चाह रहा तो अलग बात है। तो मैं कैमरा बंद कर दूं नमन? क्या ठीक है, ये समझ आया बच्चों आपको? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट में कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। कुंता समझ रहे हो बेटा? यस। और सेकंड में कितने रो हैं? 3 हैं। दोनों में फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के बराबर होने चाहिए। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है कार्तिक, आपको पता है बेटा ये क्या पता है? फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए। हाँ, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जो रो है बच्चों, इस रो को, फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इससे सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 के साथ, क्या आएगा? 6। ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ। ठीक है, तो और प्लस में लिखा जाएगा, ये 6 आ गया दोबारा से। ठीक है, और फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1 के साथ। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। ये समझ आया नमन? यस सर। ये समझ आया नमन? यस सर। यस सर। अब आपको करना है ये ग्रीन वाली रो, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ। बताओ नमन क्या आएगा? 2 + 6 + 3। क्या बात है नमन, तो 11 हो जाएगा। 2 + 6 + 3। अर्जुन? यस सर। अब हम इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। बताओ क्या आएगा? सर 18 + 4 + 2। गुंतास, उसके बाद क्या करेंगे बेटे? यस सर, दूसरी वाली उसके साथ, कॉलम के साथ, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ क्या आएगा? 6 6 4 और 6। गुड। सो ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई? दिस इज इक्वल टू 13, इनको ऐड कर दो, 11, 24, 16। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? सर आपने शुरू में जब बोला था कि नंबर ऑफ आपने बोला था नंबर ऑफ रोज नीड्स टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट के कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होने चाहिए? नंबर ऑफ रो और रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वो पूछ सकते हैं बिना दिए और हमको वहां लिखना पड़ेगा कि ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल दे दिया जाता है बेटा कि इज दिस मैट्रिक्स, इज दिस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल और नॉट। इफ पॉसिबल देन डू इट, नहीं पॉसिबल है तो बताओ क्यों नहीं है, ये दे दिया जाता है। ठीक है,
अगला एग्जांपल दूं, हो गया सबका? यस सर। इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों इस मैट्रिक्स के साथ। करो जरा, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है गुंतास? फर्स्ट का ऑर्डर बताओ गुंतास। एक सेकेंड, सो 3 × 2। सेकेंड का बताओ। 2 × 3। वेरी गुड। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के बराबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। करो शाबाश, करके दिखाओ सभी बच्चे, डाउट आता है तो मुझे बताओ। हो गया नमन? यस सर। मेरा भी हो। दिखाओ नमन। नमन दिखाओ। दिखाई रहा हूँ। अरे यस बोलो। हाँ अच्छा, क्या आंसर आया है? 76, 19, 8 and 9। आपका क्या बेटा? 76, 19, 8, 6 सेम आया है? यस सर। किया है अर्जुन? सर कुछ गड़बड़ है, नहीं सर मेरा उसमें। दिखाओ एक बार मुझे, दिखाओ क्या हुआ। यस सर। एक मिनट थोड़ा स्टेबल रहने दो। हाँ अर्जुन आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी बेटा। देखो बेटा ये ऐसे नहीं आएगा। नमन एंड गुंतास, आप बुक है बेटा आपके पास? यस सर। एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी बेटे। पेज नंबर 80 से मुझे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट एंड मतलब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। अर्जुन देखो बेटे, अर्जुन एरो लगाओ बेटा ऐसे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये पहले तो सॉरी एक सेकंड, आप क्वेश्चन बताते तो आंसर करना। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट? सो थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। अर्जुन, अर्जुन यस, पहले बेटा ये एक रो लेनी है और इसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? ये इससे मल्टीप्लाई होके यहां पर लिखी जाएगी,
दिस इज 2 प्लस 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ये मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 3 हो गया प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 2। ये समझ आया अर्जुन? फर्स्ट रो को यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह मल्टीप्लाई किया। अरे बाकी लोगों ने गलत किया क्या? मुझे लग रहा है अर्जुन का ठीक है, बाकियों का गलत है। मेरा इधर से इधर देखो, गुंता संधम इधर देखो बेटा, आप लोगों ने गलत किया। सर क्वेश्चन ये है नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, नहीं सर मैंने क्वेश्चन क्या दिया था आपको? सर क्वेश्चन लिखा नहीं आपको, ऊपर होगा बेटे, मैंने तो यही मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था आपको पिछला। नहीं साहब ने ये नहीं, दूसरा दिया था बेटे, यही है। यही क्वेश्चन दिया था बेटे, इधर देखो, पहले ये तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, तीनों कॉलम से, फर्स्ट रो पहले तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। मैंने कॉलम को रो से कर दिया। यस सर सेम। नहीं 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 बेटे, रो को कॉलम से करना है, रो को कॉलम से करना है। Okay. फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो और वो सेकंड रो में लिखे जाएंगे। सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और वो तीनों कॉलम में लिखे जाएंगे, 2 2 4 + 1। फिर इसको सेकंड के साथ 2 3 6 + 1 2 0। फिर ये इसके साथ थर्ड कॉलम के साथ, तो एरो ऐसी लगानी है जैसे मैंने लगाई है, और एरो लगानी होती है, मतलब एरो लगा सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा आप एरो लगाओगे तो, ऐसे। फिर थर्ड रो को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 + 2 और 9 + 4 and this is 6 + 2, ये आएगा, निकाल दो। अब ये क्या आता है, करो बेटा ठीक करो। अर्जुन आप एक्सरसाइज पे आ जाओ बेटे। सर वो लास्ट वाला 18 + 2 है, 6 + 2 नहीं, 18 18 + 2। यस सर मेरा ठीक था ये वाला। हाँ अर्जुन का ठीक था, ठीक वाले का गलत हो गया, गलत वालों का ठीक हो गया, है ना। अर्जुन एक्सरसाइज से थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट करो अर्जुन। गुंतास एंड नमन पहले तो पार्ट को पूरा करेंगे। मैंने करेक्ट कर लिया। कार्तिक आप कहाँ पहुंच गए बेटा? सर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट 3.3। एक बार 6 क्वेश्चन दिखाना बेटा मुझे। ठीक है बेटे थोड़े ऊपर करो, गुड, ठीक है बेटे शाबाश, चलो करो आगे करो। बच्चों आपका कोई पार्ट हुआ? फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड कर रही।
तो हो गया, हो गया, दिखाओ बेटे। यस बोलो बेटा, यस फिर से बोलो। हाँ बस, अच्छा मल्टीप्लाई किया आपने, 1 × 1 = -4 और ये 2 और -6 और 1 × 3 = -2 एंड 2 × 2 = 6 ठीक है बेटे, शाबाश। अर्जुन आपका हो गया बेटा? सो सेकंड पार्ट खत्म कर रहा हूँ बस, एक सेकंड। सेकंड पार्ट कर रहे हो आप? सो थर्ड पार्ट। नमन एंड गुंतास, नमन आप दिखाओ बेटे, गुंतास बेटे आप थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करो। गुंतास आप फर्स्ट पार्ट ही तो था ये तो ये वाला था ना बेटे, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं, आपने अभी जो किया है वो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था ना, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करूं? नहीं बेटे, थर्ड क्वेश्चन का आपने कौन सा पार्ट किया अभी? वन और थ्री कर दिया ना आपने? यस सर। अच्छा चलो ये वाला करो आप, फोर्थ पार्ट करो, कर लोगे? हाँ ट्राई तो करो, फोर्थ पार्ट ट्राई करो। नमन आपका हो गया बेटे? यस सर। एडिशन में तो नॉर्मल मतलब जो वहां पे R11 है वो मतलब ऐसे डायरेक्टली होगा ना, उसमें तो रोज और कॉलम्स का नहीं होगा। एडिशन में तो बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट Yes, मतलब वो corresponding elements है ना, उसमें कुछ ऐसे rows into columns है ना? नहीं नहीं उसमें ऐसा कुछ नहीं addition में, वो सीधा add हो गया मेरा। ये कैसे आ गया सीधा, ये तो समझ भी नहीं आएगा, मैं देखूं कि कैसे आया सर। add किया normally सर, वो मैंने लिखा नहीं पूरा, मैंने कर लिया सर। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट दिखाओ। बेटे ऐसे नहीं, समझ नहीं आएगा कि कहां से आ गया, लिखना होता है बेटे। सर लिखा तो सर वो सर यही तो होगा, ऐसे लिखा भाई तो ऐसे लिखने होते बेटा, ऐसे पहले इनको साथ साथ लिख के फिर ऐसे लिखना होता है। तो वो तो बुक में दिया ही हुआ है क्वेश्चन तो नमन, बुक में एग्जांपल सॉल्व दिए हुए हैं, फिर तो तू करेगा ही नहीं। नहीं सर, सर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं थोड़ी वापस लिखूंगा। नहीं ऐसे तो नहीं होता है बेटा, फिर हो गया ठीक है सर, लिख लूंगा मैं। हां अगला क्वेश्चन लिख के करके दिखाओ। अर्जुन हो गया? यस सर। कौन सा पार्ट किया बेटे? फोर्थ और थर्ड। कौन सा सर? फर्स्ट और थर्ड, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड कर लिए? यस सर। अच्छा फोर्थ पार्ट करो बेटे, जिनके फर्स्ट और थर्ड हो गए वो फोर्थ पार्ट करो बच्चे।
कर लिया बच्चों? सर यस सर, मैंने गलत कर दिया वापस। हाँ कार्तिक बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। बताओ सर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करते हैं? एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। मुझे याद नहीं आ रहा कैसे करते हैं। अच्छा इसका फिफ्थ पार्ट लिख लो, फोर्थ पार्ट लिख लो इसका। अर्जुन मल्टीप्लाई हो गया आपका? यस सर। दिखाओ जरा एक बार, कौन सा पार्ट किया बेटा? सर फोर्थ पार्ट। दिखाओ जरा एक बार, एक मिनट काटते हैं। तो मेरा भी हो गया। यस सर, यस सर। एक मिनट अर्जुन, बस एक मिनट कर, स्टॉप करो यहीं पर। ये आया है आपका 14042 18 माइनस 156 22 माइनस 270। ठीक है अर्जुन, क्या बात, फिफ्थ पार्ट करो अर्जुन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट करो अर्जुन। तो मेरा भी पोर्च हो गया, तो मैं भी फिफ्थ और सिक्स्थ करूं। दिखाओ बेटे एक बार। हाँ आप भी सिक्स पार्ट करो, शाबाश। फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट करो गुंता साहब। कार्तिके, कार्तिके फिफ्थ फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ मैं। ये मैट्रिक्स गिवन है बेटा, ए 1-1, 5 and 2। पहले यहाँ से ए डैस फाइंड कर लो, तो इसका ट्रांसपोज हो गया 1-5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस वन एंड टू, करेक्ट? समझ आया बेटा ये? हाँ सर, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पी फाइंड करना है। कार्तिक के पी होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, दैट इज हाफ ऑफ। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा? हाँ ये सिमेट्रिक पार्ट होगा। 1+1, 2, दिस प्लस दिस 4, एंड दिस एंड दिस 4, 2 and 2, 4। समझ आया बेटा ये? तो ये हो गया 1, 2, 2, 2, ये आ गया। दिस इज पी बस।